Click on subscribe button and hit this bell button to see my videos instantly. आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपेयर दो ऐसे बजट फ़ोन का जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या किया जाए, कौन सा फ़ोन चूज़ किया जाए, किसके स्पेसिफिकेशन बेहतर है, कौन सा फ़ोन चूज़ करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके सारे फीचर्स इन दोनों फ़ोन के कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कौन सा फ़ोन लेना ज़्यादा बेहतर होगा। जो दोनों फ़ोन आज हम कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों, वो फ़ोन है Xiaomi Redmi 4 और Zte Nubia N1 Lite। दोनों ही फ़ोन बजट फ़ोन है, दोनों ही फ़ोन 7000 के रेंज में लॉन्च किए गए हैं। 6999 में दोनों ही फ़ोन आते हैं। दोनों ही फ़ोन अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कौन सा फ़ोन बेहतर है जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक Xiaomi Redmi 4 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं जाना है तो प्लीज़ इस आई बटन पर क्लिक करके उसे आप जान लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ नया है आपके लिए इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों फ़ोन के स्ट्रक्चर और लुक के बारे में। तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे दिखते हैं अपने आप में, लेकिन Xiaomi Redmi 4 का जो बॉडी है वो कंप्लीट मेटेलिक बॉडी दिया गया है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि सभी ये कहते हैं कि काफ़ी अच्छी मेटेलिक बॉडी है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मेटल जो यूज़ किया जाता है वो एल्युमिनियम होता है और बहुत ही वीक होता है। अगर आप ज़मीन पे गिर गया है फ़ोन, अगर कंक्रीट वगैरह पे आपका फ़ोन गिरता है तो ईजिली स्क्रैचेस आ जाते हैं और ये स्क्रैचेस ऐसे होते हैं जो जाते नहीं हैं और आपके फ़ोन को बहुत ही भद्दा बना देते हैं देखने में। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और नूबिया में जो पीछे की तरफ मटेरियल यूज़ किया गया है बनाने के लिए, वो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। हालाँकि काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक प्लास्टिक होता है और मेटल मेटल, तो ये एक बात है। और डिज़ाइन की अगर बात किया जाए तो दोनों ही बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा बेहतर Xiaomi Redmi लगता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में और बिल्ड क्वालिटी में Xiaomi ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। और आगे बढ़ते और बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, तो आपको Xiaomi Redmi 4 के अंदर आपको मिलता है 5 इंच का स्क्रीन, HD स्क्रीन है। और वहीं अगर लाइट नूबिया लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5.5 इंच का स्क्रीन मिलता है और ये भी HD है। तो यहाँ पर जो नूबिया है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। अब दोस्तों बारी आती है हार्डवेयर की, तो अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो Xiaomi Redmi में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी बढ़िया है और एक तरीके से लेटेस्ट प्रोसेसर भी है। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। और वहीं नूबिया लाइट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलता है जो कि थोड़ा ओल्ड है, और प्रोसेसर के मामले में Xiaomi Redmi का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो Xiaomi Redmi यहाँ पर ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। रैम की अगर बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में 2GB रैम मिलता है, तो यहाँ पर आप कुछ क्लियर कट कंक्लूजन नहीं बना सकते कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर होगा रैम के मामले में। अब थोड़ा और बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर मेमोरी एक्सपेंडेशन की, तो आप Xiaomi Redmi 4 के अंदर 128GB तक अपने मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं Nubia N1 Lite में आप 32GB तक अपने मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन 32GB प्लस 16GB भी कोई कम स्पेस नहीं माना जाएगा किसी फ़ोन के लिए। और एक बात प्रोसेसर के बारे में ध्यान रखने वाली और भी है कि आपको Xiaomi Redmi 4 के अंदर ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, वहीं आपको Nubia N1 Lite के अंदर क्वाडकोर प्रोसेसर मिलता है। तो प्रोसेसिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है N1 Lite के अंदर, और Xiaomi Redmi ज़्यादा बेहतर है। तो ऑल टुगेदर अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है Xiaomi Redmi, और N1 Lite थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर। तो हार्डवेयर के मामले में ज़्यादा बेहतर नहीं है Nubia N1 Lite। अब दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में आपको 6.0 एंड्रॉयड मिलता है, लेकिन आपको Xiaomi Redmi 4 के अंदर उनका खुद का डेवलप्ड MIUI मिलता है 8, लेकिन आपको N1 Lite के अंदर, Nubia N1 Lite के अंदर कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं मिलता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड के साथ आता है आपको बिल्कुल वही देखने को नज़र आएगा। तो अगर आप कोई कस्टमाइजेबल यूज़र इंटरफेस नहीं चाहते हैं तो फिर आपके लिए Nubia N1 Lite ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है कैमरा। तो कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि Nubia जो ZTE का फ़ोन होता है वो पास्ट की अगर उसकी ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाए तो कैमरे के मामले में काफ़ी अच्छा होता है ये फ़ोन, और अपने कैमरे को काफ़ी अच्छे तरीके से ये बनाता है और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देने की कोशिश करता है कस्टमर्स को। तो लेकिन अगर बेसिक फीचर्स की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको, अपर्चर f2.0 मिलता है, ये ज़्यादा बेहतर है, ड्यूल LED मिलती है आपको, ये काफ़ी बेहतरीन है। ये बैक प्राइमरी कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ,
तो आपको ड्यूल एलईडी मिल जाता है, ऑटो फोकसिंग है, कुछ अच्छे फीचर्स है ये सारी चीज़ें। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, अपर्चर 2.8 है, लेकिन वाइड एंगल व्यू मिलता है, दैट इज 84 डिग्री तक आप काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल के फोटोज़ ले सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ Xiaomi Redmi 4 की तो 13 मेगापिक्सल का आपको पीछे की तरफ बैक कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको सिंगल फ्लैश मिलता है, आउट ऑफ फोकस है, लेकिन PDF टेक्नोलॉजी मिलती है, अपर्चर 2.0 मिलता है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, अपर्चर f2.2 है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर कैमरे के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो ZTE मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, भले ही इसकी पिक्सल क्वालिटी, पिक्सल क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है और बनिस्पत Redmi 4 के, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से ZTE Nubia N1 लाइट ज़्यादा बेहतर होगा अगर कैमरे की बात की जाए तो। तो दोस्तों अगर इन चार फैक्टर, दैट इज़ डिज़ाइन, कैमरा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन चारों फैक्टर को देखा जाए तो तीन फैक्टर में Xiaomi Redmi ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। वहीं कैमरे की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है आपको Nubia N1 लाइट। बैटरी की भी अगर बात की जाए तो Xiaomi Redmi में आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती है और तकरीबन 3500 mAh की बैटरी आपको मिलती है Nubia N1 लाइट में। हालांकि दैट इज़ ऑल्सो एनफ बैटरी, बट स्टिल अगर चार फीचर की बात की जाए तो तीन फीचर में Xiaomi Redmi ज़्यादा बेहतर नज़र आता है और Nubia N1 लाइट जो है ऑलमोस्ट सोसो टाइप का फ़ोन कह सकते हैं हम अपने हिसाब से, तो ये ज़्यादा बेहतर फ़ोन नज़र नहीं आता है 7000 के रेंज की अगर बात की जाए तो। तो ऑल टुगेदर अगर चॉइस की बात की जाए दोस्तों तो मेरे हिसाब से Xiaomi Redmi 4 अगेन ज़्यादा अच्छा है और इसको खरीदना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।